हेलो एवरीवन आज की वीडियो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गाइज एनसीआर क्लास ट्वेल्व मैथामेटिक्स चैप्टर फोर डिटर्मिनेट्स के मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर इलेवन टू सो आई सिक्स क्वेश्चन नंबर सो यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इन एक्सरसाइज इज प्रूव दैट मीनस दैट ये क्वेश्चन इलेवन जो सिक्सटीन है गाइस क्वेश्चन नंबर इलेवन से सिक्सटीन उसमें क्या करना है प्रूफ करना है गाइज सो क्वेश्चन नंबर इलेवन गाइज डिटर्मिनेंट ऑफ अल्फा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस गामा बेटा बिटा स्क्वायर गामा प्लस अल्फा गामा गामा स्क्वायर अल्फा प्लस बिट्टा इज इक्वल टू बिट्टा माइनस गामा इंटू गामा माइनस अल्फा इंटू अल्फा माइनस बिट्टा इंटू अल्फा प्लस बिट्टा प्लस गामा सो दिस इज इक्वल टू दिस प्रूफ करना है गाइस स्वायु क्वेश्चन इलेवन का सॉल्यूशन सो डैल इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ अल्फा अल्फा स्क्वायर बिट्टा प्लस गामा बेटा बिटा स्क्वायर गामा प्लस अल्फा एंड गामा गामा स्क्वायर अल्फा प्लस बिट्टा सो इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ अल्फा बिट्टा अगामा लिख देंगे गाइस मीन्स दैट इसे डेल के इक्वल पोर्ट कर देंगे एंड क्या करेंगे इंटरचेंज करेंगे रो एंड कॉलम को गाइस सो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम शिफ्ट कर देंगे सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम में शिफ्ट कर देंगे गाइज इंटरचेंज करेंगे रो वाइज एंड कॉलम रो को कॉलम में लाएंगे एंड कॉलम को रो में ले जाएंगे गाइज सो फर्स्ट रो में क्या है अल्फा अल्फा स्क्वायर और बिट्टा प्लस गामा so, इसे फर्स्ट कॉलम में लिख देगा अल्फा अल्फा स्क्वायर बिट्टा प्लस गामा एंड बिट्टा बिट्टा स्क्वायर गामा प्लस अल्फा ये सेकेंड रो का सारा एलिमेंट सेकेंड कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा उसी प्रकार से थर्ड रो का सारा एलिमेंट थर्ड कॉलम शिफ्ट हो जाएगा गामा गामा स्क्वायर एंड अल्फा प्लस बिट्टा सो प्लाइंग आर थ्री इज इक्वल टू आर वन प्लस आर थ्री वी गेट मीस डेट आर थ्री में चेंज लाएगाक्वल टू आर वन प्लस आर थ्री करेंगे सो डेट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ अल्फा बिट्टा गामा अल्फा स्क्वायर बिट्टा स्क्वायर गामा स्क्वायर फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो एज इज सेम हो जाएगा ऊपर वाले सारे इवेंट उसी प्रकार से उतर जाएंगे एंड थर्ड रो में चेंज हो जाएगा अल्फा प्लस बिट्टा प्लस गामा अल्फा प्लस बिट्टा प्लस गामा एंड अल्फा प्लस बिट्टा प्लस गामा के इक्वल हो जाएगा टैकिंग आउट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन फ्रॉम आर थ्री आर थ्री में से रो थ्री में से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को क्या कर लेंगे कॉमन निकाल लेंगे बिट्टा स्क्वायर गामा स्क्वायर वन वन एंड वन हो जाएगा इज सो ऑफ लाइंग कॉलम टू इज इक्वल टू कॉलम टू माइनस कॉलम वन एंड कॉलम थ्री इज इक्वल टू अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर बिट्टा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर एंड थर्ड रो में वन जीरो जीरो गईस सो टैकिंग बिट्टा माइनस अल्फा कॉमन फ्रॉम कॉलम टू एंड गामा माइनस अल्फा फ्रॉम कॉलम थ्री विकेट गाइस मीन्स दैट कॉलम टू में से बिट्टा माइनस अल्फा को कॉमेंट कर लेंगे एंड कॉलम थ्री में से गामा माइनस अल्फा को कॉमेंट कर लेंगे प्लस बिट्टा प्लस गामा इंटू बिट्टा माइनस अल्फा इंटू गामा माइनस अल्फा इंटू डिटर्मिनेट ऑफ अल्फा वन वन अल्फा स्क्वायर बिट्टा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा एंड वन जीरो जीरो

अल्फा सॉरी गामा प्लस अल्फा माइनस बेटा अल्फाइंडिंग करेंगे अल्फा इन टू अल्फा प्लस बेटा प्लस गामा के इक्वल प्रूफ so, करना था जो कि आ गया है सो इज इक्वल टू आर एस एस यह आंसर हो जाएगा एक्स एक्स का स्क्वायर वन प्लस पी एक्स का क्यू वाई वाई का स्क्वायर वन प्लस पी वाई का क्यू जेड जेड का स्क्वायर वन प्लस पी जेड का क्यू इज इक्वल टू वन प्लस पी एक्स वाई जेड मीन्स दैट इज इक्वल टू वन प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स वेयर पी इज एनी स्केलर पी जो है स्केलर क्वांटिटी है कोई भी स्केलर क्वांटिटी है सो दिस इज इक्वल टू दिस प्रसका सोल्यूशन सो लेट डेल इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स वाई जेड एक्स का स्क्वाई का स्क्वायर एंड जेड का स्क्वायर एंड थर्ड कॉलम में वन प्लस पी एक्स का क्यू वन प्लस पी वाई का क्यू एंड वन प्लस पी जेड का क्यू सो आखते है आगे डेल इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स एक्स का स्क्वायर वन वाई वाई का स्क्वायर वन जेड जेड का स्क्वायर वन प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स एक्स का स्क्वायर पी एक्स का क्यू एंड का स्क्वायर पी वाई का स्क्वायर और पी जेड का क्यू हो जाएगा कॉमन कर लेगा इस सो पी एक्स वाई जेड इन टू डिटर्मिनेंट ऑफ वन 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 एक्स वाई एंड जेड हो जाएगा और एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एंड एक्स वाई जेड एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ वन एक्स एक्स का स्क्वायर वन वाई वाई का स्क्वायर वन जेड जेड का स्क्वायर एज इट इज उतार देगा इसवल टू वन प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ वन 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 एक्स वाई जेड एंड एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर हो जाएगा जो है, सेम है।, so, पे जो है, plus कर है इन दोनों में से सो अपलाइंग आर वन इज इक्वल टू आर वन माइनस आर टू एंड आर टू इज इक्वल टू आर टू माइनस आर थ्री वी गेट सो इज इक्वल टू आर वन एंड आर टू में चेंज लाया

फर्स्ट फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो गाइस सो वन इंटू वाई प्लस जेड के इक्वल हो जाएगा माइनस वन इंटू एक्स माइनस वाई के इक्वल हो जाएगा इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड सो एक आगे सो इज इक्वल टू वन प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस प्रूव करना था गाइस जो कि हो गया सो so, यह आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का सो एक डिटर्मिनेट ऑफ थ्री ए माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस ए थ्री बी माइनस बी प्लस सी एंड माइनस सी प्लस ए एंड माइनस सी प्लस बी और थ्री सी इज इक्वल टू थ्री इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सो दिस इज इक्वल टू दिस प्रूव करना है इसका सोल्यूशन सो लेट डेल इज इक्वल टू डिटर्मिनेट ऑफ थ्री ए माइनस ए प्लस बी एंड माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस ए थ्री बी माइनस बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए माइनस सी प्लस बी और थ्री सी को डेल के इक्वल पुट कर लेंगे सो कॉलम वन इज इक्वल टू कॉलम वन प्लस कॉलम टू प्लस कॉलम थ्री कॉलम वन में चेंज लाएंगा सो इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी फर्स्ट रो का सारा एलिमेंट जो है फर्स्ट कॉलम का सारा एलिमेंट ए प्लस बी प्लस सी सेम हो जाएगा गाइस और सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम एज इट इज रह जाएगा ए प्लस बी थ्री बी माइनस सी प्लस बी माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी एंड थ्री सी के इक्वल हो जाएगा गाइस सो टैकिंग आउट ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम कॉलम वन में से कॉलम वन में से ए प्लस बी प्लस सी को बाहर कॉमेंट कर लेगाइ बाहर निकाल देंगे सो इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इन टू डिटर्मिनेंट ऑफ वन माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी वन थ्री बी माइनस बी प्लस सी वन माइनस सी प्लस बी एंड थ्री सी के इक्वल हो जाएगा टू आर टू माइनस आर वन एंड आर थ्री इज इक्वल टू आर थ्री माइनस आर वन यहाँ पे आर टू एंड आर थ्री में चेंज लाया सो इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इन टू डिटर्मिनेंट ऑफ वन माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी जीरो टू बी प्लस ए ए माइनस बी जीरो ए माइनस सी टू सी प्लस ए सो एक्सपेंडिंग वाई कॉलम वन कॉलम वन से क्या करें करेंगे गाइस एक्सपेंड करेंगे बिकॉज़ यहाँ पे जो है गाइस फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे ऑलरेडी टू जीरो हैं गाइस एंड यहाँ पे जो कैलकुलेशन है गाइस बहुत ही ईजी हो जाता है सोइस so आगे इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू टू बी प्लस ए इंटू टू सी प्लस ए माइनस ए माइनस सी इंटू ए माइनस बी सो इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू फोर बी सी प्लस टू ए बी प्लस टू ए सी प्लस ए का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी एंड माइनस बी सी की कॉल हो जाएगा सो इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू थ्री ए बी प्लस थ्री बी सी प्लस थ्री सी ए इसे सॉल्व करेंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा सो इज इक्वल टू थ्री इंटू थ्री को कॉमेंट कर थ्री इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा सो so, यह आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर का सो so, एक थे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन गाइस डिटर्मिनेट ऑफ वन वन प्लस पी वन प्लस पी प्लस क्यू टू थ्री प्लस टू पी फोर प्लस थ्री पी प्लस टू क्यू थ्री सिक्स प्लस थ्री पी टेन प्लस सिक्स पी प्लस थ्री की इज इक्वल टू वन के इक्वल प्रूफ करना है गाइज सोच सॉल्यूशन सो लेट डेल इज इक्वल टू डिटर्मिनेट ऑफ वन वन प्लस पी वन प्लस पी प्लस क्यू टू थ्री पी थ्री प्लस टू पी फोर प्लस थ्री पी प्लस टू क्यू थ्री सिक्स प्लस थ्री पी टेन प्लस सिक्स पी प्लस थ्री थ्री क्यू सो इसे डेल के इक्वल प्रेगा डेल के इक्वल मान लेंगे सो आर टू इज इक्वल टू आर टू माइनस टू आर वन एंड आर थ्री इज इक्वल टू आर थ्री माइनस थ्री आर वन सो आर टू एंड आर थ्री में चेंज लाएगा सो इज इक्वल टू रो टू में से रो थ्री टू इंटू रो वन कर देंग रो टू में से टू इंटू आर टू इंटू आर वन करके यहाँ पे माइनस कर देगा टू इंटू आर वन सो इज इक्वल टू उसी प्रकार से आर टू एंड आर थ्री में चेंज लाएंगे सो इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ वन वन प्लस पी वन प्लस पी प्लस क्यू जीरो वन टू प्लस पी एंड जीरो थ्री सेवन प्लस थ्री पी के इक्वल हो जाएगा सो इसे एक्सपेंड करेंगे गाइज सो एक्सपेंडिंग वाई कॉलम वन कॉलम वन के अकॉर्डिंग इसे एक्सपेंड करेंगे सो इज इक्वल टू वन इन टू सेवन प्लस थ्री पी माइनस सिक्स प्लस थ्री पी इक्वल हो जाएगा यहाँ पे कॉलम वन के अकॉर्डिंग इसलिए गाइस क्योंकि यहाँ पे टू ऑलरेडी टू जीरो है गाइज सो so, इसे कैलकुलेशन में यहाँ सॉल्व होगा इजी होगा गाइस कैलकुलेशन सॉल्व करने में यहाँ पे ईजी हो जाएगा गाइस सो so, इसीलिए यहाँ पे कॉलम वन के इक्वर इसे एक्सपेंड करेंगे सो इज इक्वल टू वन इंटू सेवन प्लस थ्री पी माइनस सिक्स प्लस थ्री पी के इक्वल हो जाएगा सो so, इसे सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू वन के इक्वल हो जाएगा गाइस सो यह आंसर हो जाएगा गाइस बिकॉज यहाँ पे दिस इज इक्वल टू वन के इक्वल प्रूव करना था सो यह आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का आइए देखते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन डिटर्मिनेंट ऑफ साइन अल्फा कॉस अल्फाइस टू जीरो सोल्यूशन लेट डेल इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा प्लस डेल्टा साइन बिटा कॉस बिटा कॉस बिटा प्लस डेल्टा एंड साइन अल्फा कॉस साइन गामा कॉस गामा एंड कॉस गामा प्लस डेल्टा सो इसे डेल के इक्वल पुट कर लेंगे गाइस। सो देन यूजिंग कॉस अल्फा प्लस बेट कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू यहाँ पे ट्रिग्रोमेटिक फॉर्मूला का यूज करें करेंगे गाइस। कॉस ए प्लस बी ट्रिग्रोमेटिक फॉर्मूला का यूज करेंगे जो कि इज इक्वल टू होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी के इक्वल होता है वी गेट गाइज सो डेल इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉस्ट अल्फा इंटू कॉसगास्ट डेल्टा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन डेल्टा साइन बेटा कॉस्टेटा और कॉस्टेटा इंटू कॉस डेल्टा माइनस साइन बेटा इंटू साइन डेल्टा उसी प्रकार से थर्ड थर्डो मेंामा इंटू गामा और साइन गामा गामा कॉस् गामा इंटू कॉस्ट डेल्टा माइनस साइन गामा इंटू साइन डेल्टा के इक्वल हो जाएगा सो अपलाइंग

फोर अपाउंड एक्स माइनस सिक्स अपॉन्ट वाई प्लस फाइव अपॉन्ड जेड इज इक्वल टू वन के इक्वल है थर्ड इक्वेशन है सो यह क्वेश्चन so, जो है थोड़ा लॉन्ग है इसका कैलकुलेशन थोड़ा लॉन्ग है, है इसका सॉल्यूशन सो लेट वन अपाउंड एक्स इज इक्वल टू वन के यू के इक्वल मान लेंगे उसी प्रकार से वन अपॉन वाई इज इक्वल टू वी के इक्वल पुट कर लेंगे एंड वन अपॉन जेड को डब्लू के इक्वल मान लेंगे ऑफ इक्वेशन इज टू यू प्लस थ्री भी प्लस टेन डब्लू इज इक्वल टू फोर के इक्वल हो जाएगा गाइस एंड उसी प्रकार से सेकेंड इक्वेशन जो है वह किसके इक्वल हो जाएगा फोर यू माइनस सिक्स भी प्लस फाइव फाइव डब्लू इज इक्वल टू वन के इक्वल हो जाएगा एंड थर्ड इक्वेशन जो है सिक्स यू प्लस नाइन भी माइनस ट्वेंटी डब्ल्यू इज इक्वल टू टू के इक्वल हो जाएगा so, इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं के में सो वेयर एज इक्वल टू मैट्रिक ऑफ टू थ्री टेन फोर माइनस सिक्स फाइव सिक्स नाइन माइनस ट्वेंटी इसे इस प्रकार से मैट्रिक्स के फॉर्म में A के इक्वल पोट कर देख मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देंगे एंड एक्स इज इक्वल टू मैट्रिकिस ऑफ u, v, w and b is equal to matrices of 4, 1, 2. So to find adjoint A, we find the cofactors of the elements. Means that adjoint find out first and fore, what Cofactors find out? Cofactors So A11 1, 1 is equal to determinant of minus 6, 5, 9 minus 20 is equal to वन हंड्रेड ट्वेंटी माइनस फोर्टी फाइव इज इक्वल टू सेवेंटी फाइव के इक्वल हो जाएगा एंड ए वन टू इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ फोर फाइव सिक्स माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ माइनस एट्टी माइनस थर्टी इज इक्वल टू वन हंड्रेड टेन के इक्वल हो जाएगा यहाँ पे साइन चेंज क्यों होगा बिकॉज यहाँ पे जो है गाइस इस यहाँ पे ऑड नंबर है वन प्लस टू इज इक्वल टू थ्री जो कि ऑड नंबर है ऑड so, रहने पर को का मान जो है यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है कोफैक्टर्स में गाइस तो so, यहाँ पे माइनस हो जाएगा गाइस एंड यहाँ पे प्लस पॉजिटिव वे में आ जाएगा वन हंड्रेड टेन उस प्रकार से ए वन थ्री इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ फोर माइनस सिक्स सिक्स नाइन इज इक्वल टू थर्टी सिक्स प्लस थर्टी सिक्स इज इक्वल टू सेवेंटी टू के इक्वल हो जाएगा गाइस एंड ए टू टू इज इक्वल टू वन हंड्रेड फिफ्टी के इक्वल हो जाएगा so, आगे ए टू टू इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ टू टेन सिक्स माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू माइनस फोर्टी माइनस सिक्स इज इक्वल टू माइनस वन हंड्रेड वन हंड्रेड के इक्वल हो जाएगा उसी प्रकार से ए टू थ्री इज इक्वल टू जीरो के इक्वल हो जाएगा एंड ए थ्री वन इज इक्वल टू सेवेंटी फाइव इक्वल हो जाएगा इसे सॉल्व कर देंगे तो उसी प्रकार से ए थ्री टू इज इक्वल टू थर्टीन के इक्वल हो जाएगा एंड ए थ्री थ्री इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फोर के इक्वल हो जाएगा गाइस आप लोग चाहें तो डायरेक्ट भी यहाँ पर सॉल्व करके इसे भी लिख सकते हैं गाइस उसी प्रकार से यहाँ पे कोफैक्टर्स के लिए सारे एलिमेंट कोफैक्टर्स के यहाँ पे हो गए हैं गाइस गच्स so, कोफैक्टर्स फैक्टर करने के बाद हम लोग एट ज्वाइंट फॉर्नआउट करेंगे so, A 75. के सारे एलिमेंट को यहाँ पे क्या करेंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख गए हैं सो मैट्रिसेस ऑफ सेवन हंड्रेड टेन सेवेंटी टू वन हंड्रेड फिफ्टी माइनस वन हंड्रेड जीरो सेवन थर्टी माइनस ट्वेंटी फोर का हॉल ट्रांसपोज हो जाएगा गाइस बिकॉज को फैक्टर्स के ट्रांसपोर्स को ही कहते हैं गाइस तो so, यहाँ पे के को फैक्टर्स के मैट्रिक फॉर्म में पुट करके यहाँ पे इसका ट्रांसपोज कर गाइस सो इज इक्वल टू ट्रांसपोज जो होता है गाइस ट्रांसपोज में फर्स्ट रो का सारा एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा एंड सेकेंड रो का सारा एलिमेंट सेकेंड कॉलम में एंड थर्ड रो का सारा एलिमेंट थर्ड कॉलम में शिफ्ट हो जाता है गाइस उसे ही ट्रांसपोज कहते हैं सो इज इक्वल टू मैट्रिसेस ऑफ सेवेंटी फाइव वन हंड्रेड फिफ्टी सेवेंटी फाइव एंड वन हंड्रेड टेन माइनस वन हंड्रेड थर्टी और 72 टू एंड जीरो माइनस ट्वेंटी फोर की जाएगा गाइस, सो इसे सॉल्व करेंगे गाइस, सो यहाँ पे एक का फाइंड आउट कर देंगे सो ए का रिटायरमेंट इज इक्वल टू यहाँ पे एड ज्वाइंट जो है गाइस, एड ज्वाइंट का वैल्यू ये हो गया एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे का कर so, A का इस सो ए का रिटायरमेंट इज इक्वल टू टू इंटू सेवेंटी फाइव प्लस थ्री इंटू वन हंड्रेड टेन प्लस टेन इंटू सेवेंटी टू सो इज इक्वल टू वन हंड्रेड फिफ्टी प्लस थ्री हंड्रेड थर्टी प्लस सेवन हंड्रेड ट्वेंटी इज इक्वल टू टू ट्वेल्व हंड्रेड के इक्वल हो जाएगा गाइस, सो इस ए का इन्वर्स यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं गाइस सो so, ए का इन्वर्स इज इक्वल टू तो, यहाँ पे ए का इन्वर्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो इज इक्वल टू वन अपॉन ए का रिटर्मिनेट एट ज्वाइंट ऑफ ए का इक्वल हो जाएगा इस सोते आगे सो so, यहाँ पे ए के रिटर्न का वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पे एड का वैल्यू पुट करेंगे एंड इसे सॉल्व कर रहे सो फिफ्टी सेवनटी फाइव वन हंड्रेड टेन माइनस वन हंड्रेड थर्टी थर्टी सेवेंटी टू जीरो माइनस ट्वेंटी फोर इन टू बी का यहाँ वैल्यू पुट कर गाइस जो कि क्या है मैट्रिक ऑफ सेवन वन टू इसे सॉल्व करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के गाइस केक्वेडेंगे सॉल्व कर लेंगे टू हंड्रेड इन टू मैट्रिस ऑफ सिक्स हंड्रेड फोर हंड्रेड और टू हंड्रेड फोर्टी के इक्वल हो जाएगा इसे सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू मैट्रिकस ऑफ वन अपाउंट टू वन अपॉइंट थ्री एंड वन अपॉइंट फाइव के इक्वल हो जाएगा गाइज जो कि एक्स वाई जेड का वैल्यू हो जाएगा सो यू इज इक्वल टू वन बाई टू एंड भी इज इक्वल टू वन वाई थ्री एंड डाब्लू इज इक्वल टू वन वाई फाइव का इक्वल हो जाएगा उसी प्रकार से गाइस यू जो हम लोगों ने किसे माना था वन अपॉइंट एक्स को यू के इक्वल माना था गाइस सो एक्स इज इक्वल टू वन अपॉइंट यू इज इक्वल टू टू के इक्वल हो जाएगा एंड वाई इज इक्वल टू वन अपॉइंट भी इज इक्वल टू थ्री के इक्वल हो जाएगा गाइस उसी प्रकार से जेड इज इक्वल टू उट करने के लिए बोल रहा था इस क्वेश्चन में जो की हो गया है सो so, यह क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा so, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगा इस तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसे अधिक से अधिक शेयर करेगा इस थैंक यू सो मच